अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, मैं उशान और आपका स्वागत है फैक्टबुल में एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अप्रैल 2017 में YouTube लाया था अपनी एक नई पॉलिसी जिसके तहत जिन चैनल्स में होंगे लाइफ टाइम 10,000 व्यूज वो ही कर सकेंगे मोनेटाइजेशन इनेबल। यानी अप्रैल 2017 के पहले जितने भी यूट्यूबर्स थे उनके चाहे एक व्यूज हो, चाहे 100 व्यूज हो, चाहे जितने भी व्यूज हो, उस पे एड्स आते थे और मोनेटाइजेशन इनेबल होता था और यूट्यूबर उससे अर्न कर सकते थे। लेकिन अप्रैल 2017 के बाद आई यूट्यूब की एक नई पॉलिसी के तहत अब सिर्फ वही यूट्यूबर्स अर्न कर सकेंगे मोनेटाइजेशन से जिनका होगा 10,000 व्यूज से ऊपर। तो अगर आप भी ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने नया चैनल बनाया है या 2017 में बनाया था और जिसके अब हो गए हैं 10,000 व्यूज कंप्लीट और जिसने मोनेटाइजेशन इनेबल करने का बटन दबा दिया है लेकिन अभी भी यूट्यूब की तरफ से या गूगल की तरफ से कोई भी ऐसा मेल नहीं आया है तो ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस पॉलिसी चेंज के बाद काफी कुछ चेंज हो गया। YouTube समय समय पर नई नई पॉलिसीज लाता है, इसमें से ये भी एक पॉलिसी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपके 10,000 व्यूज पूरे हो चुके हैं। काफी यूट्यूबर्स ने मुझसे पूछा कि हमारे 10,000 व्यूज पूरे होने के बाद भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो रहा है। उस पर बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ मैसेजेस आ जाते हैं कि ये प्रोसेस में है, अब इट्स यूजुअली टेकिंग लॉन्गर। ये साफ साफ YouTube खुद कह रहा है कि समय ज्यादा ले रहा है। हालांकि एक हफ्ते विद इन अ वीक में जवाब आ जाता है लेकिन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स यूट्यूबर्स हैं जिनका अभी तक एक महीना डेढ़ महीना भी हो गया है लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है YouTube की तरफ से जिसमें बोला जाए कि उनका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है। हालांकि वो अभी भी रिव्यूइंग प्रोसेस में है, ज्यादातर चैनल्स अभी ऐसे हैं जो रिव्यूइंग प्रोसेस में है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये समस्या हुई कहां से और क्यों, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं इसकी तह तक गया, मैंने काफी ब्लॉग्स छाने, यहां तक कि YouTube से भी मैंने मेल करके ये चीज पूछी तो मुझे कुछ खास जवाब नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल मैंने कई सारे ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स से बात करके ये नतीजा निकाला है कि दरअसल बात यह है दोस्तों कि YouTube जो भी अर्न करता है वो एडवर्टाइजमेंट से, ये तो आपको सबको पता है। अब 2017 के शुरुआत में अगर आप जाते हैं तो देखेंगे YouTube के बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ने YouTube को बॉयकॉट कर दिया था। आपको पता चला होगा बहुत सारे YouTube के चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते थे अच्छे खासे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर होने के बाद भी, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स थे जो पैसा देते हैं YouTube को, उन लोगों ने YouTube को बॉयकट कर दिया था कुछ समय के लिए। हालांकि ये पोजीशन 2-3 महीने तक थी, उसके बाद ये सॉल्व हो गया था। अब एंड ऑफ द ईयर आते हैं यानी नवंबर दिसंबर 2017, 22 नवंबर के बाद से अगर देखें तो ये न्यू ईयर और क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई थी। ऐसे समय में सबसे ज्यादा मिलते हैं यूट्यूब को एड्स एंड ऑफ द ईयर में। कई सारी देशी विदेशी कंपनीज हैं जो इसी समय कराती हैं अपना पूरा की पूरा एडवर्टीजमेंट। अब जैसे इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में दिवाली वगैरह आती है तो एडवर्टीजमेंट और तेजी से हो जाता है। आप देखेंगे छोटे छोटे चैनल्स पे भी अच्छे खासे एड्स आते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं आप यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस की जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दिवाली वगैरह सिर्फ इंडिया मॉरिशस वगैरह मनाया जाता है लेकिन जो न्यू ईयर और क्रिसमस है देश दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे मनाया जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज रखती हैं सेल्स और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स और करती हैं बिड और देती हैं यूट्यूब को अच्छा खासा पैसा जिसकी वजह से आता है वो हर चैनल पे एड। लेकिन भैया यूट्यूब की जो हो गई पॉलिसी चेंज तो यूट्यूब ने भी कर दिया अपने ग्राहकों को यानी जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए एक नई स्कीम यानी उनकी बेहतरी के लिए सोचा। अब YouTube का यह कहना है कि 22 नवंबर के बाद जो भी उसके पास नए चैनल्स बने हैं ये 2017 में उनको वो एड्स नहीं दे रहा है, अप्रूव नहीं कर रहा है क्योंकि जो ऑलरेडी उसके पास आए हुए एड्स हैं यानी 2017 में जो भी कंपनीज इनके पास आई थी YouTube के पास अपने एडवर्टाइजमेंट्स लेके, YouTube उनके एड्स दिखा रहा है सिर्फ जो वेल सेटल्ड यूट्यूबर्स हैं जिनके 2-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिनकी रोज की 2-3 लाख व्यूज पहुंच रही हैं, ये उनको ही एड्स दिखा रहा है, छोटे मोटे यूट्यूबर्स को अभी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि YouTube का कहना यह है कि जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके पास व्यू कम है, उनकी रीच बहुत कम है, ऐसे में एडवर्टाइजर्स का पैसा हो जाता है वेस्ट और उनको नहीं मिलती है मन माफिक रीच। तो इसमें YouTube ने क्या किया है कि अब जो नवंबर के बाद से है सिर्फ और सिर्फ जो वेल सेटल्ड यूट्यूबर्स हैं उनको ही एड्स दे रहा है। हालांकि YouTube ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि वो आने वाले समय में नए यूट्यूबर्स को नहीं देगा, लेकिन अभी जिनका पैसा ले चुका है YouTube अपने एडवर्टाइजर से यानी जिनका 1 महीना 2 महीना या जितना 3-4 हफ्तों का भी जो पैकेज हो जो उनका पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा तब ये अपना जो नए चैनल्स हैं यूट्यूब्स के YouTube उसको तब अप्रूव कर देगा। अभी मैं बता दूं मेरे एक फ्रेंड है जिनका जिन्होंने 5 दिसंबर को अपना अप्रूवल क्लिप भेजा था, करीब इतने 25 दिन से ऊपर हो गए, 30 दिन हो गए हैं, देखा जाए तो पूरे 1 महीना होगा लेकिन फिर भी उनका अप्रूव नहीं आया है। और कुछ लोग हैं जो हफ्ते 2 हफ्ते पहले भेजे उनका भी नहीं आया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने नवंबर में भेजा था उनका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें अभी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके रिप्लाई 1 हफ्ते में आ गए हैं, मैंने पर्सनली उनसे बात की है तो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब कितना रैंडम है इन सब चीजों में, यानी कुछ
कुछ लोगों को वो सिलेक्ट कर रहा है, कुछ लोगों को अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये समस्या है वो जनवरी तक में सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट पीरियड है ये जनवरी तक खत्म हो जाएगा। जनवरी के बाद उम्मीद है कि जो भी नए यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल को यूट्यूब अप्रूव कर देगा, लेकिन लेकिन एक शर्त पर। यूट्यूब क्या है कि अब कंटेंट को भी देख रहा है, ऐसा नहीं कल तक क्या था आप स्लाइड शो लगा दिए, कहीं की खबर उठा के कुछ भी बोल दिया आपने, कहीं से साउंड ले लिया, कुछ कर दिया, डाल दिया, आपके ऊपर ऐड आ गया। नहीं, अब YouTube क्या कर रहा है, जेन्युइन कंटेंट को छांट रहा है, और अब आने वाले समय में YouTube पे वही यूट्यूबर्स टिकेंगे जो जेन्युइन कंटेंट लाते हैं। अगर आप कहीं से कोई चीज कॉपी करते हैं तो आपकी हो जाती है क्रिएटिविटी जीरो और आपका YouTube बन जाता है एक फ्रॉड चैनल। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, अपने चैनल पे कोई भी चीज कॉपी मत कीजिए। हाँ, अगर आपका न्यूज चैनल है या टेक न्यूज चैनल है या टेक गैजेट्स बारे में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन कहीं से लाकर आप बना के देते हैं तो सही है, लेकिन एज इट इज कोई चीज कहीं से कॉपी ना करें, वरना YouTube लटका देगा आपके चैनल को बीच में और कभी हो नहीं पाएगा अप्रूव। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बस करना है आपको थोड़ा सा इंतजार, हो सकता है जनवरी के एंड तक में जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो जेन्युइन कंटेंट लाते हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, उनका हो जाएगा एडसेंस अप्रूव। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर कीजिए ताकि हमारे न्यू यूट्यूबर्स को और जानकारी मिले और वो भी अच्छे से, उनको भी एक मोटिवेशन मिले काम करने का। ऐसा नहीं बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी घबरा के अपना चैनल बंद कर दे रहे हैं या फिर यूट्यूब से उनका मन हट जा रहा है, ऐसा बिल्कुल ना करें, वेट करें, इंतजार का फल जरूर मीठा होता है। तो दोस्तों चलते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वो रेड बटन है उसे क्लिक कर दें, उसके बगल में एक घंटा है यानी बेल, उसको दबा दें, उससे होगा ये कि जब हम लाएंगे नया वीडियो आपको मिल जाएगी अपडेट सबसे पहले। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलते हैं अपडेट सबसे पहले।